जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ONGC डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइज, यहाँ पर रिसेंटली ONGC ने आपके अप्रेंटिस के पोस्ट निकाले थे जिसमें कि 2500 वैकेंसी थी, और उसमें आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर आपने ITI अप्रेंटिस पर तो अप्लाई करके बता दिया, बट जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी है उन पर हम कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए अब क्या किया है, ONGC ने आपको अलग से एक लिंक दिया है, क्योंकि जो लिंक पहले दिया था उसके माध्यम से कुछ ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाए, और मुझे लगता है कि कोई अप्लाई कर ही नहीं पाया क्योंकि उसमें काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस था। तो ऐसे में अब ONGC ने अपनी ही वेबसाइट से आपके डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के फॉर्म फिल कराने शुरू किए हैं, जो कि आप लोग 21 सितंबर 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक भर पाएंगे। एंड इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया है, आप जो ये वीडियो में देख सकते हैं यही वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि बोला कि कोरिंगडम रिगार्डिंग द डिप्लोमा होल्डर्स एंड द ग्रेजुएट विद जियोलॉजी एज पब्लिश्ड। ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/9/2023 को जारी किया था, इसमें आपके टोटल वैकेंसी 445 है। ये 445 वैकेंसी आपकी मेनली जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस की वैकेंसी है उनके लिए निकाली है। कौन से सेक्टर में किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आप देख सकते जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और यहां पर जैसे कि पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव है, इस पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट विद जियोलॉजी मांगा है, बाकी जो अन्य ट्रेड बचते हैं इन पर डिप्लोमा मांगा है उसी ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। तो यहां पर आपने ये जानकारी जान ली है। अब अगर ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स भी देखेंगे, और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के डेट एक्सटेंडेड नोटिस PDF को ओपन करके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। अभी आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर भी जो आपकी होम पेज पर क्लिक करके आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं, और डिप्लोमा जियोलॉजी ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर आने के बाद में आप यहां पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। अब यहां पर आपको आपका फर्स्ट नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना है, मिडिल नेम है तो आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। देन जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, PWD स्टेटस यानी कि अगर आप विकलांग है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। कैटेगरी आपकी कौन सी है तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि जनरल, OBC, अगर आप OBC है तो यहां पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, SC ST को भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है, और ये वैसे तो यहाँ पर आपको देना ही होगा क्योंकि ये ऑप्शन एक्टिव तभी होता है जब आप यहाँ पर ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी वो आप सेलेक्ट करके अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो दे दीजिए। फिर यहाँ पर आपको आपके डेट ऑफ बर्थ बतानी है, पहले आप यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे, और जो भी फिर आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद विच सिटी वेयर यू बोर्न यानी कि कौन सी सिटी के अंदर आप बोर्न हुए, आपका जन्म हुआ है, तो उस सिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। व्हाट इज़ योर मदर नेम, आपकी माता जी का क्या नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड बोला है कि मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर एंड 1 अपर केस एंड लोअर केस लेटर, और ये जो पासवर्ड है वो आपका 6 से ज्यादा कैरेक्टर का होना चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड बनाना है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के दिखाता हूं, मैं यहां पर कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेता हूं। तो कुछ ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, इन सभी जानकारी को चेक करना है जो कि आपने यहां पर भरी है, एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर वर्क सेंटर का इंटरफेस आएगा, तो आपको ये बताना है कि आप कौन से वर्क सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो कोई भी एक वर्क सेंटर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेड आपका सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सेलेक्ट करने के बाद में आती है क्वालिफिकेशन। तो जो भी ट्रेड आप सेलेक्ट करते हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए कंपलसरी रूप में उसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करते तो फिर आपको ग्रेजुएट विद जियोलॉजी देनी होगी, बाकी अन्य ट्रेड पर यहां पर डिप्लोमा ही मांगा है उसी ट्रेड में जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है। अब यहां से जो आपकी स्टेट है वो स्टेट यहां पर ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने देहरादून सेलेक्ट किया तो यहां पर स्टेट उत्तराखंड है, मैंने ये सेलेक्ट किया। फिर यहां पर जो उत्तराखंड की आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहां पर बतानी है, तो चलिए हम यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद गाइज आप यहां पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहां पर देखेंगे यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आप यहां से
ओके कीजिए। ओके करने के बाद में लॉगिन का पेज आपके सामने आ चुका है। तो अभी जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है वो आप यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालिए एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने पहले रजिस्ट्रेशन की डिटेल आएगी, फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जहाँ पर आपको फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर फादर का मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे एंड देन जो आपका फादर का लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको आपकी मदर का फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम भी एंटर करना है। जेंडर आपको आपका सेलेक्ट कर लेना है, आधार नंबर आपका जो है वो आप यहाँ पर डालेंगे, पैन नंबर यहाँ पर डालेंगे। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ करके देख सकते हैं। अगर आप खाली छोड़ करके नेक्स्ट कर पा रहे हैं इसका मतलब फिर आप बिना इसके भी आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर आप पैन कार्ड नंबर दिए बिना नेक्स्ट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि ये आपको देना कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आता है एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालिए आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। देन अगर आप कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर बोला कि प्लीज नोट डैट ओनली 2020, 2021, 2022, 2023 पास्ट आउट कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डिप्लोमा अप्रेंटिस। यानी कि यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं वो अगर आपने 2020, 21, 22, 23 के अंदर पास की है तो तभी आप इसमें एलिजिबल है, जिन्होंने 2019 के अंदर की है वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री आपको बोला है, तो डिप्लोमा डिग्री आपकी क्या है, तो यहाँ पर आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका नाम लिखना है, तो हम यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल लिख देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम, तो कहाँ से आपने की है उस इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर देना है, तो चलिए हम यहाँ पर इसका नाम एंटर करते हैं। ये देने के बाद में यहाँ पर आता है काउंसिल यूनिवर्सिटी नेम, तो कहाँ से आपने की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर देंगे। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मार्क्स ऑब्टेंड नंबर्स, तो नंबर्स के अंदर कितने नंबर आपको आए हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए या फिर कह लीजिए कि डेमो के लिए नंबर आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर आपके टोटल नंबर डालेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर बोला है कि प्लीज़ एंटर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन ऑब्टेंड मार्क्स, तो हमने ये इनको ग्रेटर कर ही दिया 1000, अब हमने यहाँ पर टोटल मार्क्स डाले और जो ऑब्टेंड है वो यहाँ पर 981 है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर आप देखेंगे टेंथ की इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर है स्कूल कॉलेज नेम, तो आपने टेंथ आपकी कौन से स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना कि किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ये इस तरह से आप साल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ऑब्टेंड मार्क्स, तो कितने नंबर आपको आए थे दसवीं के अंदर वो आपको यहाँ पर डालना है, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे आपके टोटल मार्क्स के अंदर। और इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या था टेंथ का वो आप यहाँ पर डालिए। सेम वे में आप यहाँ पर आपकी बारहवीं की इन्फॉर्मेशन डालिए कि आपने किस स्कूल कॉलेज से की है, किस बोर्ड से की है, किस साल के अंदर पास की है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर जो आपके ऑब्टेंड मार्क्स है वो आपको यहाँ पर डालने हैं, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, और फिर आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर भी डाल देंगे। देन गाइज आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे सभी जानकारी को चेक करते हुए। अब आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल में डिक्लेरेशन एक स्टेप आया है, जहाँ पर है अपलोड फोटो, और आपका फोटो यहाँ पर 500 KB से कम साइज का रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड देन आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद देखेंगे रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, और अभी आप यहाँ से ये कीजिए। अब आपको बोला है वेलकम, ये आपका नाम दिया है, यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आपको बोला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट आउट चेंज पासवर्ड, तो यहाँ से हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देख लीजिए आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आउट आ चुका है। आप यहाँ पर इसको प्रिंट कर लीजिए। अगर आप इसको कंप्यूटर से भर रहे हैं तो आपको कंट्रोल पी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं आपको प्रिंट का जो आइकन है वो देखने को नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल पी करता हूँ तो आपके सामने इस तरह से आपका फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप इसको अगर आपके पास प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ONGC डिप्लोमा अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।